अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में न्यू बुक लगाई हुई है, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना दूँ। वैसे क्वेश्चन सेम्स है सारे, नेशनल बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो क्या काम करता है। पुरानी बुक के सेम चैप्टर सेम टॉपिक सब कुछ उठा के उसको पेस्ट कर देते हैं इधर बड़ी बुक बना के। बाय द वे जो भी है आप लोगों ने वो भी करने हैं। आपको तीन बुकें रिकमेंड की गई हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से, वो ओल्ड बुक एक्सपायर नहीं हुई वो भी चल रही है। उसके बाद एक और बुक है, पता नहीं बलोचिस्तान की है कहाँ की है, ये केपीके की है वो मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास अगेन सेम टू सेम वही चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, इसके बाद पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में है तो सेम हमारे पास यहाँ पे जुल्फ़िकार का एरा शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। नेशनलाइजेशन में से आप लोगों को शॉर्ट आ सकता है, और ये जो जुल्फ़िकार के रिफॉर्म्स हैं इनमें से शॉर्ट आ सकता है। इम्पैक्ट्स के ये तीन पॉइंट्स आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है जी। ये सारा आप लोगों को, ये लॉन्ग क्वेश्चन है अगेन, ज़ियाउल हक का जो एरा है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये जो पॉलिसी ऑफ इस्लामाइजेशन है इनमें से एक शॉर्ट बन सकता है। और यहाँ पे हमारे पास वही है, बल्कि ये वही है इस्लामाइजेशन, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा। ज़ियाउल हक इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद पीछे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इनमें से कुछ शॉर्ट वगैरह आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं तो इनमें से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इसके बाद ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी बेनज़ीर वगैरह आप लोगों ने छोड़ देना है। डिसमिसल ऑफ ये 52A 58B इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग आप लोगों को दो ही अभी तक बताए हैं, वही आपने करने हैं। और नवाज़ शरीफ साहब भी आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट इनमें से आ सकता है। तो इसके बाद हमारे पास डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर की सेकंड है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को आ सकता है। और उसके बाद हम आगे आएँ तो अच्छा नस्ट 1995 में यहाँ पे इनाग्रेट हुई है, क्या बात है यार। उसके बाद नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट है, इसमें न्यूक्लियर टेस्ट जो है आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और डिसमिसल ऑफ नवाज़ शरीफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का जो ये डेवोल्यूशन प्लान है शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है। अगेन हमारे पास इलेक्शन 2002 वगैरह ये शॉर्ट आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनको देखना है आपने एक एक बार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कोई तीन पॉइंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बाकी अगर आगे आए तो हम ये, बाकी इमरान खान इसमें है ही नहीं, इसको छोड़ दो। उसके बाद अगेन फर्स्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलियंट फीचर्स जो हैं ये हमारे पास ये वाला। उसके बाद जो हमारे पास बेनज़ीर गवर्नमेंट को आप लोग छोड़ दो, बेनज़ीर गवर्नमेंट क्यों टर्मिनेट हुई तीन वाला कर लो। उसके बाद नवाज़ शरीफ क्यों टर्मिनेट हुआ ये कर लो, 2002 के इलेक्शन कर लो, जनरल का प्लान कर लो। इसके बाद बाकी जो मैंने शॉर्ट अंदर से बताए हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर लॉन्ग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs भाई ख़ुद आप लोगों ने करने हैं, वो आप लोगों की टीचर ने लगवाए होंगे। बाकी इसमें से कोई लॉन्ग नहीं है, दो लॉन्ग है इस चैप्टर में से। न्यूक्लियर पता नहीं किस में है, अगर पहले चैप्टर में आया तो वो कर लो। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे अगर हम चलें तो मैं स्किप कर रहा हूँ वो पेज। इसके बाद हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसको देख लेना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। अच्छा इसमें हमारे पास जो है जी पाक इंडिया रिलेशन आप लोगों को आ सकता है। और उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद ये सेंट्रल एशिया नहीं करना, OSCE भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। पाक तुर्की भी इतने ख़ास नहीं है, पाक सऊदी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लॉन्ग में आता इतना ज़्यादा। इसके बाद पाक चाइना कहाँ गया यार, पाक चाइना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये पाक अमेरिका भी हैं, अभी अमेरिका के दोस्त बन गए हम, तो ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद पाक चाइना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास पाक यूके इतना कभी भी नहीं आता। उसके बाद सोवियत यूनियन रशिया, इसको देख लो ये भी आ सकता है, इसके भी अभी हम करीब जा रहे थे। बाकी यूनाइटेड नेशन ये सब कुछ आप लोगों ने क्या करना है, स्किप कर देना है। इसमें से हमारे पास कायदे आज़म वाला ये कर लो, और उसके बाद सोवियत डिफीट कर लो, सार्क कंट्रीज़ कर लो, इसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स कर लो,
उसके बाद डिटेल में हमारे पास फॉरेन पॉलिसी वाला इम्पोर्टेंट है, पाक इंडिया रिलेशन, और वो कश्मीर उसी में आ जाता है, पाक यूएस और पाक चाइना। और अगर हम आगे आएँ तो ये चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान आ सकता है शॉर्ट में। और अगेन अगर हम आगे उस पेज को छोड़ दो, इसके बाद ये मिनरल्स शॉर्ट में किसी एक मिनरल का पूछ लेगा। अब इसका मुझे नहीं पता वो किसका पूछेगा, उसकी अपनी मर्जी है। इसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर के आप लोगों से पॉइंट पूछ सकते हैं, फैक्ट्स। इसी तरह हम आगे हैं, ये वाटर लॉगिंग सैलिनिटी वगैरह कभी कभार पूछ लेता होता है, इसको देख लेना है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आप लोगों से पूछ सकता है। और उसके बाद आगे अगर हम आएँ तो हमारे पास क्रॉप्स आ जाती हैं, क्रॉप्स भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और लाइव स्टॉक, पल्सेस, रबी क्रॉप, ये सारा, ये कोई पॉइंट्स हैं यार, ये कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक के ये पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लो। और आगे अगर हम आएँ तो यहाँ पे पता नहीं कौन पीछे से बोलना शुरू हो गया अब, चलो यार यहाँ पाकिस्तान इधर होता रहता है। और सिगरेट इंडस्ट्री आ गई जी, इम्पोर्टेंस, एनर्जी रिसोर्सेज अन इम्पोर्टेंट है सारा यार, पेट्रोलियम, कोल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना है आप लोगों को, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आएगा, तो इसकी बाकी एक्सरसाइज देख लो, एक्सरसाइज के शॉर्ट सारे ही कर लो। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, अगेन वही मैं आप लोगों को सारे बता चुका हूँ, रबी खरीफ कर आप कर लो, स्मॉल इंडस्ट्रीज। और इसमें हमारे पास अगर लॉन्ग की बात करें तो छोड़ दो, सारे छोड़ दो, बाकी आ भी गया तो क्रॉप्स के बारे में अपने पास से बंदा लिख ही लेता है। अच्छा ये पॉपुलेशन आ गई, वो न्यूक्लियर वाला कहाँ गया, वो 9 क्लास में है, 10 क्लास में है, पाकिस्तान एस न्यूक्लियर पावर, तो बस वो कहीं से कर लेना, वो भी मुझे नज़र नहीं आया, मेरे जहन में है वो क्वेश्चन, वो आई थिंक सो 10 क्लास का ही है, आप लोगों ने वो करना है न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कैसे बना, उसका पूरा आप लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर ज़ियाउल हक और उसके बाद नवाज़ शरीफ तक उसको ले के आना है न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो बेशक कहीं इधर आखिर में नहीं है। तो इसमें हमारे पास अच्छा पोइट आते हैं, खुशहाल खान खट्टक और ये सारे, उर्दू लैंग्वेज इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिंगुआ फ्रेंका इसको कहते होते थे, पता नहीं इधर कहीं लिखा होगा, तो ये वही पुरानी बुक को इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद वो खुशहाल खान खट्टक और ये वो, उनके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो आपने देखने हैं, बाकी इससे लॉन्ग एक उर्दू के अलावा कुछ भी नहीं आता। कल्चर आप लोगों को आ सकता है शॉर्ट में, लॉन्ग में मुश्किल है लेकिन फिर भी कल्चर आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट सारे करो यार इसके, अब इसमें से मैं आप लोग को क्या छुड़वाऊँ। इसके बाद लॉन्ग में हमारे पास पाकिस्तान उर्दू कर लो, बाकी बेशक सारे छोड़ दो। तो ये था हमारा न्यू बुक, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, वही सारे लॉन्ग है, वो अगर ओल्ड बुक वाला देखो और ये न्यू बुक देखो, एक ही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और वो पुरानी बुक वाली वीडियोज़ देखो, मॉडल पेपर देखो, MCQs देखो, वो भी सारे सेम है। नई बुक पुरानी बुक का फ़र्क करना छोड़ दो, और आप लोग क्या काम करो, तैयारी करो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।